जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के थ्रू हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ पहली प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एच डी एच। यदि यहां पर वेरिएबल क्या है एक्स और इसकी लिमिट क्या है ए टू बी, हम डायरेक्ट जो है एक्स वेरिएबल को टी वेरिएबल में यानी कि रिक्वायर्ड वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, लिमिट सेम रहेगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये कौन सी लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। यदि ये लिमिट छोटी हो और ये बड़ी हो, या इन दोनों लिमिट को हम इंटरचेंज कर दें, ये ए टू बी है, हमें चाहिए बी टू ए, तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा और लिमिट को हम चेंज कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एच डी एच, और हमें एक ऐसी लिमिट की रिक्वायरमेंट है जो कि इन दोनों के बीच में लाई करती है, एक ऐसी लिमिट सी जो ए से तो बड़ी है और बी से छोटी है, तो हम लिख सकते हैं ए टू सी एफ एच डी एच, सी टू बी एफ एच डी एच। पहले वाले में ये अपर लिमिट हो जाएगी तो दूसरी में ये लोअर लिमिट हो जाएगी, और मोस्टली हम इस प्रॉपर्टी का यूज जो है मॉडुलस फंक्शन में करते हैं, जहां पर हमारा फंक्शन क्या हो, मॉडुलस फंक्शन हो, तो वहां पर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है ए टू बी एफ एच डी एच इज इक्वल टू ए टू बी, जो अपर लोअर लिमिट है ए प्लस बी माइनस एच डी एच, लिख सकते हैं फिर उसके बाद सॉल्व कर देंगे। मोस्टली यहां पर देखिए आप ए टू बी, तो ए टू बी ए प्लस बी माइनस एच, यानी कि एच को हम रिप्लेस कर देंगे ए प्लस बी माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे, और इस प्रॉपर्टी का मोस्टली कहां पर यूज होता है, इस प्रॉपर्टी का यूज होता है यदि ए प्लस बी का सम पाई बाई टू हो जाए या पाई हो जाए, तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जीरो टू ए एफ एच डी एच, यहां पर लोअर लिमिट क्या है जीरो, जीरो टू ए एफ एच डी एच, तो हम सेम प्रॉपर्टी है ये, तो हम एफ ए माइनस एच डी एच लिख सकते हैं, यहां पर भी ए मीन्स पाई बाई टू हो या पाई हो, तो क्या हो जाएगा यहां पर एफ ए माइनस एच, बात वही है बी की जगह क्या आ गया जीरो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोनों। यदि हमारी लिमिट है जीरो टू टू ए एफ एच डी एच, जीरो टू टू ए एफ एच डी एच, तो यहां पर हो जाएगा जीरो टू ए एफ एच प्लस जीरो टू ए एफ टू ए माइनस एच डी एच, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जीरो टू टू ए एफ एच डी एच। अब हमने इस फंक्शन की जगह ये जो पावर वाली अपर लिमिट है एफ टू ए माइनस एच रखेंगे, एफ एच की जगह क्या रखेंगे एफ टू ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ एच हो जाता है, तो ये जो अपर लिमिट है इसका तो हाफ हो जाता है, ए रह गया और टू बाहर आ जाएगा, यहाँ पे टू जीरो टू ए एफ एच डी एच, कब यदि टू ए एफ टू ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ एक्स हो, एफ टू ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो टू जीरो टू ए एफ एच डी एच, लेकिन यदि एफ टू ए माइनस एच इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो तो डायरेक्ट आंसर विल बी जीरो। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए एफ एच डी एच, देखिए यहां पर माइनस और प्लस है लिमिट सेम है, तो हम क्या करेंगे पहले एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे इज इक्वल टू एफ एक्स, वैसे इस फंक्शन को क्या कहते हैं इवन फंक्शन भी कहते हैं, इवन फंक्शन भी कहते हैं, यदि एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर एफ एक्स हो जाता है तो यहां पर टू हो जाएगा जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, और फिर इसके बाद हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे। लेकिन यदि ओड फंक्शन हो मीन्स एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो या ओड फंक्शन हो तो आंसर इज जीरो।
तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इनकी हेल्प से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करेंगे। प्लीज मेक अ नोट। नाउ एक्सरसाइज 7.11 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए यहां पर कुछ सम्स लिखे हुए हैं, 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2, 0 to π/2। आपको ध्यान आ गया होगा सॉल्यूशन नंबर 1 क्या दिया है, 0 to π/2 sin²x dx। इसका इंटीग्रेशन आपने कैसे किया था, आप cos 2 थीटा से sin²x की वैल्यू निकाल देते हो, यहाँ पर पुट कर देते थे, फिर उसका इंटीग्रेशन करते थे, फिर लिमिट रख देते। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करें तो कितनी इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो बाई कौन सी प्रॉपर्टी है, 0 to a f(x dx), तो क्या प्रॉपर्टी बताई थी, 0 to a f(a−x dx)। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि यदि पाई बाई टू हो लिमिट तो मोस्टली ये प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होगी। करिए अप्लाई, ये क्या हो गया, आई इज इक्वल टू ये इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया, तो क्या होगा, अप्लाई करते हैं I=0 to π/2 sin²π/2−x dx। हम क्या करेंगे, x की जगह a माइनस x यानी कि पाई बाई टू, तो क्या बन जाएगा ये 0 to π/2 cos²x dx इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, आई और आई ऐड होकर क्या आ गया, 2 है, 0 to π/2 इसको और इसको हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin²x + cos²x dx, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ f(x dx) प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g(x dx) दोनों यदि लिमिट सेम है या इंटीग्रेशन सेम है तो दोनों फंक्शन प्लस हो जाते हैं। तो ये किसके बराबर हो गया, 1 की, 0 to π/2 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट क्या होगी, 0 to π/2 यानी कि π/2 − 0, तो i = आ जाएगा π/4, दैट इज योर आंसर। प्लीज देखिए उसके बाद सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है, सॉल्यूशन नंबर 2 में i = 0 to π/2 √sin x / cos x dx इक्वेशन नंबर 1। अब हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, 0 to a f(x dx), तो क्या होगा, 0 to a f(a−x dx), तो क्या हो जाएगा, i = 0 to π/2 √sin 90 − θ / √sin 90 − θ या x + cos π/2 − x, तो क्या हो जाएगा ये, 0 to π/2 cos x√sin x√cos x√dx, sin 90 − θ cos हो जाएगा, cos हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा आपका sin, a कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, a + b या b + a बहुत आसे, तो इक्वेशन नंबर ये कौन सी होगी, 2। यदि हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ये, sin x + cos x / sin x + cos x, तो करते हम क्या आ गया आपका 1 dx = x 0 to π/2 यानी कि π/2 i = π/4, दैट इज योर आंसर।
सभी का आंसर क्या होगा बाय दिस प्रॉपर्टी, इसका भी आंसर पाई बाय फोर, इसका भी आंसर पाई बाय फोर, पाई बाय फोर, पाई बाय फोर। प्लीज डी आई पी डू इट्स प्रैक्टिस, डू इट्स प्रैक्टिस एंड फाइंड द आंसर इज पाई बाय फोर। प्लीज मेक इट अप। Now, solution number 5, ध्यान दीजिए यहां पर मॉडुलस है, और मॉडुलस के लिए क्या बताया था मैंने, कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी, लिमिट को चेंज करते हैं, एक नई लिमिट ऐड करते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, माइनस फाइव टू फाइव एक्स प्लस टू डी एक्स, क्या हो जाएगा ये। अब देखिए यहां पर मॉडुलस है तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू, ये माइनस टू इन दोनों के बीच में लाई करिए, यानी कि माइनस फाइव इज लेस देन माइनस टू इज लेस देन फाइव। रखिए इसमें क्या रखें, यहां पर एक लिमिट तो आ जाएगी माइनस फाइव से माइनस टू एक्स प्लस टू डी एक्स, और प्लस माइनस टू से फाइव एक्स प्लस टू डी एक्स। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, इनमें से एक फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा और एक फंक्शन इंक्रीजिंग, यानी कि एक फंक्शन माइनस में होगा एक प्लस में होगा, कैसे पता लगाएंगे। नंबर लाइन बना लीजिएगा यहां पर, माइनस फाइव माइनस टू और प्लस फाइव, इन दोनों के बीच की वैल्यू रखो आप, क्या हो गया माइनस थ्री, माइनस थ्री यहां पर रख रहे हैं तो क्या आ गया ये माइनस, और इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या रखी हमने वन, ये प्लस आ गया। इट मीन्स ये आपका माइनस होगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस टू एक्स, माइनस फाइव से माइनस टू, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस टू एक्स माइनस टू से फाइव, माइनस ये वैल्यू रखें तो फोर अपॉन टू और माइनस फोर, माइनस ट्वेंटी फाइव अपॉन टू माइनस टेन, प्लस 25 अपॉन 2 प्लस 10 और माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 4, ये हमने यहां पर लिमिट रख दी। अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस कितना हो गया, ये 4 टू जो 8, ये हो गया माइनस 4 अपॉन 2, और ये हो गया आपका 20 माइनस फाइव अपॉन टू, 20 और 5 प्लस कितना हो जाएगा ये 45 अपॉन टू, और माइनस 4 टू द 8 या अगर माइनस 4 अपॉन टू, कितना हो जाएगा माइनस और माइनस 9 अपॉन टू प्लस 45 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2, ये कितना हो गया 9 अपॉन 2 प्लस 49 अपॉन 2 मींस 58 अपॉन 2 इज इक्वल टू 29, कितना हो गया ये 29, सेम एज सॉल्यूशन नंबर 6। प्लीज DIP, do it practice, please make it up. Now, solution number 7. आपने इस integration को भी solve किया है, लेकिन by using the property of definite integral, इसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, आई इज इक्वल टू है जीरो टू वन एक्स और वन माइनस एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, बाय जीरो टू ए एफ एच डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एच डी एक्स से लगाइए प्रॉपर्टी, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। तो आई इज इक्वल टू जीरो टू वन, एक्स की जगह हम रखते हैं वन माइनस एक्स, वन माइनस एक्स रख दिया,
यहाँ पर क्या रखेंगे, वन माइनस और वन माइनस एक्स की पावर एन डी एक्स। देखिए एक्स की जगह क्या रख दिया हमने, वन माइनस एक्स, और यहाँ पर भी एक्स की जगह वन माइनस एक्स रखा है, तो आ जाएगा जीरो टू वन वन माइनस एक्स, ये हो जाएगा वन माइनस प्लस एच की पावर एन डी एच। तो कितना हो जाएगा ये जीरो टू वन वन माइनस एच और वन से वन कैंसिल, एच टू दी पावर एन डी एच। अब इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जीरो टू वन एच टू दी पावर एन माइनस एच की पावर एन प्लस वन डी एच। यही दिस इज आपके, जब हम क्या करते थे उसमें टी पुट करके सॉल्व करते थे और इसी तरीके का केस बन जाता था यहाँ पर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो टू वन इंटीग्रेशन क्या हुआ इसका, एच टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस एच की पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू, और ये हो जाएगी लिमिट हमारी जीरो टू वन। अब हम इसमें लिमिट रख देंगे वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू माइनस जीरो माइनस जीरो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एन प्लस वन और एन प्लस टू, तो क्या हो जाएगा ये एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन, दिस इज कैंसिल वन बटे एन प्लस वन एन प्लस टू, दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट अप। सॉल्यूशन नंबर एट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स डी एच। क्या करेंगे हम इसमें, बाई जीरो टू ए एफ एक्स डी एच इज इक्वल टू जीरो टू एफ ए माइनस एक्स डी एच के, आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या है, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा जीरो टू पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी डी एच। कौन सा फॉर्मूला लगा हमने, बाई टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है वन। तो क्या हो जाएगा ये, आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर लॉग वन प्लस वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। क्या हो जाएगा ये, डी एच इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर लॉग, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम क्या हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स प्लस वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स डी एच, दिस इज कैंसिल जीरो टू पाई बाई फोर log 2 upon 1 plus 10 x dx। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, log m upon n क्या होता है, log m minus n by log m upon n is equal to log m minus log n, क्या हो जाएगा ये 0 to pi by 4 log 2 माइनस जीरो टू पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एच डी एच। आगे ना रिप्यूट हो गई, ये क्या था बाई इक्वेशन वन सेम रिप्यूट हो गया, तो ये हो जाएगा
I is equal to 0 to pi by 4 log 2 dx माइनस आई, ये हो गया आई के बराबर इक्वेशन वन से आई को इधर ले आएंगे तो आई इज इक्वल टू लॉग टू और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स लिमिट होगी पाई बाई फोर लॉग टू पाई बाई फोर माइनस जीरो तो टू आई इज इक्वल टू पाई बाई फोर लॉग टू दैट मीन्स आई इज इक्वल टू उसे डिवाइड कर देंगे पाई बाई एट लॉग टू दैट इज योर आंसर प्लीज मेक इट आउट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 10 इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन क्या लेंगे हम I is equal to 0 to pi by 2 2 log sin x minus log sin 2x dx कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहां पर by 0 to a f x dx क्या हो जाएगा 0 to a f a minus x dx। लेकिन इस प्रॉपर्टी को लगाने से पहले थोड़ा सा हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या सिंप्लीफाई करेंगे देखिए I इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू लॉग एम लॉग एन का फॉर्मूला लगा देंगे लॉग एम की पावर एन साइन स्क्वायर एक्स माइनस लॉग साइन टू एक्स dx। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें जीरो टू पाई बाय टू लॉग एम लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है लॉग एम बटे एन तो जीरो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन टू एक्स डी एक्स जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कौन सा फॉर्मूला साइन टू एक्स साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन थीटा कोस थीटा तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स इससे ये कैंसिल तो क्या बन जाएगा ये आपका बन जाएगा यहां पर जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन अपॉन कोस क्या होता है टेन टेन एक्स अपॉन टू dx तो ये क्या हो जाएगा tan x upon 2 dx ध्यान दीजिए क्या लिख सकते हैं इसे 0 to pi by 2 log tan x dx minus 0 to pi by 2 log 2 dx ये क्या है I equal to I इज इक्वल टू आई वन माइनस कितना हो जाएगा ये log 2 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स 0 टू पाई बाय 2 आई वन माइनस पाई बाय 2 log 2 इक्वेशन नंबर 1। अब वेयर I1 इज इक्वल टू क्या है 0 टू पाई बाय 2 log tan x dx। अब इसमें फिर हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा फार्मूला लगाएंगे 0 टू a f x dx जो यहां पर सबसे पहले मैंने लिख दिया तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 log tan पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जीरो टू पाई बाय टू लॉग कोट एक्स डी एक्स इक्वेशन नंबर 3। क्या करते थे हम जीरो टू ए वाली जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं और उसके बाद जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन होता था उन दोनों को प्लस कर देते हैं तो एड
इक्वेशन टू एंड थ्री, तो क्या हो जाएगा, टू आई वन इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लॉग, क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस लॉग कॉट एक्स डी एक्स, जीरो टू पाई बाई टू लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम इंटू एन, तो कितना हो जाएगा ये, टेन एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, और टेन एक्स इंटू कॉट कॉट एक्स क्या होता है वन, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है वन, तो कितना हो जाएगा ये, जीरो टू पाई बाई टू लॉग वन डी एक्स, और लॉग वन की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो क्या आ गया ये जीरो, तो आई वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसे हम पुट इन इक्वेशन वन, वन में आई वन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आई इज इक्वल टू जीरो माइनस पाई बाई टू लॉग टू इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू, दैट इज योर आंसर। सेम एज आपको क्वेश्चन नंबर 11 डी आई पी, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा हिंट भी दे रहा हूँ, यहाँ पर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स लगाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, पहले हम देख लेंगे कि ये फंक्शन हमारा इवन है या ओड है, एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे तो क्या बन गया इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन लगने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस ए टू ए वाली प्रॉपर्टी लगाकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो प्लीज डी आई सॉल्यूशन नंबर 12 आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स, देखते ही क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, जीरो टू ए वाली प्रॉपर्टी, बाय इक्वेशन वन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, लगाइए प्रॉपर्टी, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रख देंगे हम यहाँ पर, और वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। इस बात को ध्यान रखना यहाँ पर कि जब हम जीरो टू ए वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो डिनोमिनेटर आपका चेंज नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, चलिए ऐड ऐड इक्वेशन वन एंड टू, तो कितना हो जाएगा ये, तो हो गया टू आई जीरो टू पाई, अब क्या हो जाएगा इसको इसको ऐड करेंगे तो एक्स कैंसिल हो गया, पाई अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से हम यहां पर इसे रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे, वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा ये जीरो टू पाई, पाई हमने बाहर कॉमन ले लिया, वन माइनस साइन एक्स अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स पाई जीरो टू पाई वन माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या लिख सकते हैं इसे, टू आई इज इक्वल टू पाई जीरो टू पाई वन अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स पाई सेक एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस सेक एक्स जीरो टू पाई, तो पाई ये हो जाएगा टेन पाई माइनस सेक पाई माइनस टेन जीरो माइनस सेक जीरो।
तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा पाई 1090, ये कितना हो गया आपका 0 माइनस, क्या हुआ आपका ये माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1, सच 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 0। माइनस ये प्लस हो गया आपका और ये हो जाएगा आपका ठीक है 0 नहीं सॉरी क्योंकि इसकी वैल्यू इसकी माइनस 1 होती है और ये सॉरी तो ये हो जाएगा आपका 2π। तो कितना आ जाएगा आंसर यहाँ से I इज इक्वल टू 2π/2 से कैंसिल π, दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट आउट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 13, I इज इक्वल टू माइनस π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx। हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी माइनस ए टू ए एफ एच डी एक्स है, यदि इवन फंक्शन है तो क्या होता था और ओड फंक्शन है तो क्या होता है, तो इवन फंक्शन के लिए हम क्या लेंगे एच डी एक्स, तो एच की जगह क्या रख दिया माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन टू पावर 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के, यानी कि ये हो गया माइनस एफ एच, क्या हो गया इट इज ओड फंक्शन, और यदि ओड फंक्शन होता तो हम क्या लेते हैं माइनस ए टू ए एफ एच डी एच इज इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 0, प्लीज मेक इट नोट। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।